गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के एमकॉम एनईपी 2023 पैटर्न सेमेस्टर सेकंड का जो सिलेबस है वो देखने वाले हैं, एंड वीडियो की प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और सब्जेक्ट है एडवांस कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग स्पेशल पेपर। पहले वीडियो में हमने जो कंपलसरी के पेपर थे उनका सिलेबस देखा। सेकंड वीडियो में हमने जो एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल के स्टूडेंट है उनके लिए सिलेबस एंड वीडियो की प्लेलिस्ट देखी। अभी इस वीडियो में हम एडवांस कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग स्पेशल के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो सिलेबस है वो सिलेबस, सब्जेक्ट्स उनके स्पेशल के, एंड जो वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है उनकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर आपको अवेलेबल है, unipune.ac.in। उसमें आप सिलेबस के ऊपर चाहिए वहाँ पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन मैं जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, और जो हमारे चैनल पर इनके वीडियोस अवेलेबल है तो उनकी प्लेलिस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये सिलेबस है सेमिस्टर सेकंड एमकॉम पार्ट फर्स्ट एज पर एनईपी 2023 पैटर्न। इसके पहले के जो वीडियोस थी कंपलसरी के पेपर की, उन वीडियोस में हमने जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है थ्योरी एग्जाम का वो भी देखा। देन हमने जो 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 पेपर्स हमने देखे उन पेपर्स के भी हमने क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखा। पहले वीडियो में हमने फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस एंड उनकी प्लेलिस्ट देखी। सेकंड वीडियो में हमने एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन जो स्पेशल पेपर है उनके सब्जेक्ट्स एंड उनकी प्लेलिस्ट देखी। अभी हम एडवांस कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम का जो सिलेबस है तो उसकी जो सब्जेक्ट है वो एंड उनकी प्लेलिस्ट देखने वाले हैं। तो देखिए, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम, तो ये जो स्पेशल पेपर है इसके अंडर थ्री सब्जेक्ट्स है। पहला है CA 559 MJ एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो 4 क्रेडिट्स के लिए सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है VA 560 MJ जो वेरियंस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पर 2 क्रेडिट का यह सब्जेक्ट है। एंड थर्ड सब्जेक्ट है CC 561 MJ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट सिस्टम, तो ये भी 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इस तरह से तीन सब्जेक्ट आएंगे एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम इस स्पेशल पेपर के अंडर। अभी हम इन तीनों पेपर का सिलेबस देखने वाले हैं, और जो वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है उनकी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देने वाली हूँ। तो देखिए, अभी हम देखते हैं सिलेबस वन बाय वन। जो एडवांस अकाउंटिंग सॉरी एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम है उसका सिलेबस हम अभी देखते हैं। देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है 100 मार्क्स के लिए, तो 70 मार्क्स की यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी, 30 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है सब्जेक्ट का, या फिर आपका जो कोर्स है उसका नेम है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में आपको जो कैलकुलेशन के पॉइंट्स है वो मैं बताती हूँ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ये थ्योरी पॉइंट है। जॉब कॉस्टिंग, ये कैलकुलेशन का टॉपिक है। तो जॉब कॉस्टिंग के ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल पर जॉब कॉस्टिंग की सभी वीडियोस अवेलेबल है जो मैंने TYBCOM के लिए बनाई थी। लेकिन TYBCOM कॉस्टिंग स्पेशल का जो पेपर है सेकंड कॉस्टिंग सेकंड का, तो वो और ये प्रॉब्लम सेम है। तो जॉब कॉस्टिंग, देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर भी प्रॉब्लम्स है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का टॉपिक है ये आपको जो अकाउंट स्पेशल के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये यूजफुल है, और
जो कॉस्टिंग स्पेशल के स्टूडेंट है उनके लिए भी यूजफुल है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर प्रॉब्लम्स की जो वीडियोस है वो अवेलेबल है। वो मैंने टीवाई बीकॉम के लिए बनाई थी कॉस्टिंग थर्ड के पेपर के लिए, लेकिन वो सेम प्रॉब्लम्स आपको एमकॉम को भी है। सो जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ये तीनों पॉइंट जो है वो टीवाई के पॉइंट्स थे, लेकिन वो सेम पॉइंट्स आपको प्रॉब्लम्स में एमकॉम को भी है। सो आप जो टीवाई बीकॉम की वीडियोस है कॉस्टिंग की वो सभी फॉलो कर सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग, देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में तीन टॉपिक है, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, तो उनकी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मैं भी आपको इनकी लिंक देने वाली हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देने वाली हूँ। सेकंड टॉपिक है सर्विस सेक्टर कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इन सर्विस सेक्टर। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग इन सर्विस सेक्टर है तो इनके भी प्रॉब्लम्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और ये जो थ्योरी पॉइंट्स है कॉस्ट यूनिट, सिंपल एंड कंपोजिट, तो इसकी थ्योरी के वीडियोस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो थ्योरी की वीडियोस है उनकी भी लिंक आपको बताने वाली हूँ, तो आपको ये जो जो पॉइंट्स है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो है कॉस्ट स्टेटमेंट, मतलब जो एस वाई का कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम था तो उसी तरह से हमें ये सॉल्व करने होते हैं। तो कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल एंड होटल सर्विसेज, तो ये हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और जो भी प्रॉब्लम्स कम है वो मैं और अपडेट करने वाली हूँ, लेकिन इसके पहले का जो मैंने टॉपिक बताया जॉब कॉस्टिंग, सर्विस सॉरी प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो उसके सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सिर्फ जो सर्विस सेक्टर अकाउंटिंग है या फिर सर्विस सेक्टर के जो कॉस्टिंग के प्रॉब्लम्स है वो मैं अपडेट करने वाली हूँ, वो थोड़े प्रॉब्लम अवेलेबल है हमारे चैनल पर, बाकी मैं अपडेट करने वाली हूँ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है या फिर थर्ड टॉपिक जो है यूनिट, वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। तो ये पूरा थियरी पॉइंट है, इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ये पूरी की पूरी थियरी टॉपिक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है तो इसमें आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं, तो उनकी भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। बाकी ये थ्योरी पॉइंट्स है, और इसमें एबीसी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स ऑन एबीसी, एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सभी जो प्रॉब्लम्स की वीडियोस है हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर वंस अगेन आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछे जाएंगे वो कौन से पॉइंट के ऊपर पूछे जाएंगे, यहाँ पर दिया है जॉब कॉस्टिंग के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर, प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर। देन सर्विस सेक्टर में कॉस्ट शीट पूछा जाएगा होटल एंड हेल्थ केयर के यानी कि हॉस्पिटल सर्विसेज के ऊपर, एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इन सभी टॉपिक्स की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट पेपर था हमारा एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो 4 क्रेडिट का था। अभी नेक्स्ट जो पेपर है वो है वेरिएंस एनालिसिस का जो 2 क्रेडिट का है। तो वेरिएंस एनालिसिस का जो पेपर है तो वेरिएंस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो ये 2 क्रेडिट का पेपर है 50 मार्क्स के लिए। तो इसमें इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स की होगी, 35 मार्क्स की यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। तो वेरिएंस एनालिसिस में दो ही टॉपिक है जिनकी हमें स्टडी करनी है, और उसमें से एक टॉपिक जो है पूरा थ्योरी टॉपिक है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू वेरिएंस एनालिसिस। तो इंट्रोडक्शन टू वेरिएंस एनालिसिस में हमें लेबर एंड मटेरियल वेरिएंसेस के ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाएंगे जो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, और आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें भी इसका स्टडी किया है, जो कॉस्टिंग स्पेशल के स्टूडेंट है उन्होंने। तो हमारे चैनल पर मटेरियल लेबर वेरिएंसेस के सभी प्रॉब्लम्स एंड उसके जो आंसर्स है उनके वीडियोस अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक बताने वाली हूँ। देन जो ओवरहेड्स वेरिएंसेस है तो उनके भी प्रॉब्लम्स है, और जो थ्योरी पॉइंट्स है तो कुछ वीडियोस हमारे थ्योरी पॉइंट्स के भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है अदर एस्पेक्ट ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। तो इसमें आपको जो पॉइंट्स पूछे गए हैं वो सभी थ्योरी पॉइंट है, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बाय चांस कंट्रोल रेशो जो है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं,
वो मैं आपको जल्द ही अपडेट कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस के ऊपर आपको प्रॉब्लम स्टडी करने हैं एंड ओवरहेड वेरिएंस के ऊपर। नेक्स्ट पेपर है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट सिस्टम। तो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट सिस्टम ये अगेन 4 क्रेडिट का पेपर है और इसके जो यूनिट्स हैं उसमें है फर्स्ट यूनिट कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल में आपको सभी थ्योरी पॉइंट्स है। सेकंड यूनिट है कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में थ्योरी पॉइंट्स है एंड कॉस्ट इफिशिएंसी एनालिसिस है, सभी थ्योरी पॉइंट्स है। देन थर्ड यूनिट है मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, डिफरेंट कॉस्टिंग। तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसके ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड यूनिट है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स है एंड अगेन जो फोर्थ यूनिट है तो वो थ्योरी का है, कॉस्टिंग सिस्टम एंड डिजाइन इंस्टॉलेशन। तो इसमें भी आपको सभी थियरी पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो कॉस्ट सिस्टम एंड कॉस्ट कंट्रोल का जो पेपर है उसका हमने सिलेबस देखा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट सिस्टम का। तो इसमें ज्यादातर थियरी क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर ही पूछे जा सकते हैं, बाकी सभी थ्योरी पॉइंट है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उनका सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉस्टिंग स्पेशल के जितने भी सिलेबस के टॉपिक बताए तो उन सभी टॉपिक्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।